हेलो बच्चों, आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ आप सब अच्छे से होंगे। बच्चों, हमने पहले पार्ट नंबर 10 नीति के दोहे किए थे। इसके सरलार्थ और इसकी या वाक्या अच्छे से समझा दी थी और आपने भी इसको अपनी कॉपी में लिख लिया होगा और याद भी कर लिया होगा। तो बच्चों, हमने इसके लेखन कौशल और वाचन कौशल के प्रश्न उत्तर भी कर लिए हैं, आपने अपनी कॉपी पर लिख लिए हैं और इनको याद भी करना है। ठीक है, आज हम करेंगे भाषा कौशल। ठीक है, भाषा कौशल पहला प्रश्न है इसमें उपसर्ग। उपसर्ग क्या होते हैं हम देखते हैं। ऐसे शब्दांश जो शब्दों के पूर्व लगकर उनके अर्थ को बदल दें, उन्हें उपसर्ग कहते हैं। बच्चों, उपसर्ग ऐसे शब्दांश होते हैं जो किसी भी शब्द के आगे लगकर, पूर्व मतलब आगे लगकर, किसी भी शब्द के आगे लगकर उस शब्द का अर्थ बदल देते हैं, उसे उपसर्ग कहते हैं। जैसे पुत्र के पूर्व सु लगाकर शब्द बना सुपुत्र। देखो, पुत्र के आगे हमने शु शब्द लगा दिया तो ये क्या बन गया? सुपुत्र। ठीक है, तो पुत्र और सुपुत्र। ठीक है बच्चों, तो ये जो उपसर्ग है वो किसी भी शब्द के आगे लगकर उस वो वाक्य उस शब्द का अर्थ बदल देता है। कुछ अन्य उपसर्ग हैं अ, बद, कु, सु, अप, बे, निर, अन, अव, नि, दुस आदि। ये कुछ उपसर्ग के इन्होंने उदाहरण दिए हैं। ठीक है बच्चों, आगे इनका हम कुछ उदाहरण करते हैं इनके। जैसे इन्होंने दिया है काबू, अगर काबू के आगे हम बे लगा देंगे तो क्या बन जाएगा? ये बेकाबू। ठीक है बच्चों, तो इसमें बे क्या है? एक इसका उपसर्ग है। ठीक है, शासन, शासन के आगे हमने अनु लगा दिया तो ये क्या बन गया? अनुशासन। ठीक है, अनु इसमें क्या है? अनु उपसर्ग है। अंत, अंत के आगे हमने अ लगा दिया तो ये क्या बन गया? अनंत। ठीक है, वाद, वाद के आगे हमने स लगा दिया तो ये क्या बन गया? संवाद। इसमें हमने सम क्या है? इसमें उपसर्ग है। आकार, आकार के आगे हमने बे लगा दिया तो ये क्या बन गया? बेकार। मान, मान के आगे हमने अ लगा दिया तो ये क्या बन गया? अप लगा दिया हमने तो ये क्या बन जाएगा? अपमान। तो इसमें अप क्या है? एक इसका उपसर्ग है। कृति, कृति के आगे हमने आ लगा दिया तो ये क्या बन गया? आकृति। सुंदर, सुंदर के आगे हमने अ लगाया तो ये क्या बन गया? असुंदर। ठीक है बच्चों, तो इसमें अ क्या है? उपसर्ग है। तो समझ आ गया बच्चों, उपसर्ग क्या होते हैं? जो किसी भी शब्द के पूर्व लगकर, किसी भी शब्द के आगे लगकर उसका अर्थ बदल देते हैं, उन्हें उपसर्ग कहते हैं। ठीक है बच्चों, आगे करते हैं प्रश्न नंबर 2। जो शब्दांश शब्दों के अंत में लगकर उन्हें अर्थ में बदलाव ला देते हैं, वे प्रत्यय कहलाते हैं। जो उपसर्ग होते हैं वो किसी भी शब्द के आगे लगते हैं और जो प्रत्यय होते हैं वो किसी भी शब्द के अंत में लगते हैं, किसी भी शब्द के लास्ट में, आखिर में लगते हैं। ठीक है, जैसे तांगे वाला, तो तांगे क्या है? इसमें एक शब्द है और वाला क्या है? इसमें प्रत्यय है। तांगे वाला, धोखेबाज, तो इसमें बाज क्या है? प्रत्यय। पतंग साज, तो साज क्या है? इसमें प्रत्यय है। जो प्रत्यय है वो वर्ड के पीछे लगता है और जो उपसर्ग है वो वर्ड के शब्द के आगे लगता है। ठीक है, इसके कुछ प्रत्यय दिए हुए हैं आलू, अप, ता, तव, आहट, इला, इन, ना, इक, इय, वान आदि। ये क्या है? प्रत्यय है। आगे करते हैं पेज नंबर 61 पे। पेज नंबर 61 पे देखते हैं क्या है। शब्द और प्रत्यय को अलग अलग लिखो। शब्द और जो प्रत्यय हैं हमने उनको अलग अलग लिखना है। धनवान, धन जमा वान, तो वान इसमें क्या है? प्रत्यय।
इसमें शब्द और प्रत्यय दोनों इकट्ठे दिए हुए हैं, इनको हमने अलग अलग करना है। जैसे धनवान का क्या हो जाएगा, धनवान। सोलवां, सोलवां का क्या हो जाएगा, सोलह प्लस वा, तो ये क्या हो जाएगा, सोलवां। दयालु, दया प्लस आलू, ये क्या बन जाएगा, दयालु। चिकनाहट, चिक प्लस नाहट, ये क्या बन जाएगा, शब्द और प्रत्यय को हमने क्या कर दिया, अलग अलग कर दिया। ठीक है, आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 3। निर्देशानुसार उत्तर लिखो। कनक के दो अर्थ हैं, कनक के दो अर्थ हैं, बताएं। कनक के दो अर्थ हैं, एक सोना, जो सोना धातु होती है जिसके गहने बनते हैं उसको भी हम कनक भी बोलते हैं और उसका नाम सोना भी है। गेहूं, गेहूं को भी हम कनक बोल देते हैं। रात और कृष्ण का विलोम है, रात का विलोम है दिन और कृष्ण का विलोम है शब्द सफ़ेद। कृष्ण का विलोम क्या है, सफ़ेद। विलोम होता है उल्टा, उल्टा लिखना है, रात का दिन और कृष्ण सफ़ेद। कोए का तत्सम रूप है, कोए का हम तत्सम रूप है कौआ। ठीक है, आगे करते हैं प्रश्न नंबर 4। दो दो पर्यायवाची शब्द लिखो। दो दो हमने पर्यायवाची शब्द लिखने हैं। गहना, आभूषण, जेवर पर्यायवाची शब्द होते हैं, मतलब कि उनका अर्थ सेम होता है, नाम अलग होता है। गहना, आभूषण, जेवर। काक, कौवा और काग, काक, कौवा, काग। दिवस, दिन और वार। पर्वत, पहाड़, गिरी, पर्वत को क्या बोलते हैं, पहाड़ और गिरी। मनुष्य, मनुष्य का पर्यायवाची और शब्द क्या है, मानव, नर। सांप का पर्यायवाची शब्द कौन से हैं, सर्प और गिर, विषधर, सर्प और विषधर। ठीक है, अब आगे करते हैं प्रश्न नंबर 5। विलोम शब्द लिखो। विलोम शब्द क्या आते हैं, उल्टे शब्द लिखो। भला, भला का अपोजिट क्या आएगा, भला का विलोम शब्द क्या आएगा, बुरा। गरीब का विलोम शब्द, उल्टा शब्द अमीर। मित्रता का उल्टा शब्द शत्रुता। गुण का उल्टा शब्द अवगुण। महान का उल्टा शब्द क्या आ जाएगा, विलोम शब्द तुच्छ। हर्ष, हर्ष का विलोम शब्द क्या आ जाएगा, दुख। ठीक है बच्चों, हमने ये पेज नंबर 60 और पेज नंबर 61 आपने अपनी बुक में बहुत अच्छे से करना है। ठीक है, तो बच्चों आज हम करेंगे निबंध। निबंध को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एसे। ठीक है बच्चों, आज हमारा पहला एसे है देश का लाल बहादुर शास्त्री। बच्चों तो इसमें लिखा हुआ है देश का लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री कौन थे बच्चों, ये एक महान नेताओं में से एक थे जिन्होंने अपने देश की आज़ादी के लिए बहुत अधिक प्रयास किया, बहुत अधिक प्रयत्न किए। तो बच्चों इसके बारे में, लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में हम पढ़ते हैं। ध्यान से सुनना है बच्चों आपने, और ध्यान से अपनी फिंगर भी अपनी कॉपी पर रखनी है। ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री हमारे देश के महानतम नेताओं में गिने जाते हैं। वे हमारे देश के दूसरे प्रधानमंत्री थे। तो बच्चों लाल बहादुर शास्त्री थे जो, वो महान नेताओं में से गिने जाते हैं। वे हमारे देश के जो दूसरे प्रधानमंत्री थे, पहले प्रधानमंत्री कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, और दूसरे प्रधानमंत्री कौन थे, लाल बहादुर शास्त्री। ठीक है, आगे देखते हैं। लाल बहादुर शास्त्री का जन्म 2 अक्टूबर 1904 को हुआ था। उनका परिवार बहुत साधारण था। लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म 2 अक्टूबर 1904 को हुआ। 2 अक्टूबर 1904 को लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म हुआ। उनका परिवार बहुत साधारण था। उनके पिता का नाम शारदा प्रसाद श्रीवास्तव और माता का नाम राम दुलारी देवी था। बच्चों आपने ये बहुत अच्छे से सुनना है और इसको याद भी करना है। ठीक है, जो उनके पिता का नाम था वो था शारदा प्रसाद
श्रीवास्तव और माता का नाम रामदुलारी देवी था। शारदा प्रसाद श्रीवास्तव शिक्षक थे। उनके पास धन दौलत नहीं थी, पर समाज में मान सम्मान था। जो लाल बहादुर शास्त्री जी के पिता थे वो एक शिक्षक थे, वो एक अध्यापक थे। उनके पास इतनी धन दौलत नहीं थी, लेकिन समाज में उनका मान सम्मान था। आगे देखते हैं। जब लाल बहादुर की उम्र 1.5-2 वर्ष रही होगी, तभी उनके पिता का देहांत हो गया। इससे पूरे परिवार पर मानो बिजली ही गिर पड़ी। फिर भी उनकी माता ने बड़ी मेहनत से काम लिया और होनहार पुत्र का मुंह देखकर कष्ट सहन करती रही। तो बच्चों, जो लाल बहादुर शास्त्री बहुत छोटे 1.5-2 वर्ष के थे, तब उनके पिताजी की मृत्यु हो गई, तब उनका देहांत हो गया। तो उनकी माता ने ही उसको बड़े कठिन और परिश्रम के साथ अपने होनहार पुत्र को पाल पोस कर बड़ा किया। प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने के बाद लाल बहादुर ने वाराणसी के हरिश्चंद्र कॉलेज में प्रवेश लिया। तो जो उनकी स्टार्टिंग की शिक्षा थी, प्रारंभिक शिक्षा, उन्होंने लाल बहादुर ने वाराणसी के हरिश्चंद्र कॉलेज में से लिया। जब वे हाई स्कूल में पढ़ रहे थे, तभी उन्हें महात्मा गांधी का भाषण सुनने का अवसर मिला। और जब वो हाई स्कूल में पढ़ रहे थे तो उन्होंने महात्मा गांधी का भाषण सुनने का अवसर मिला, मौका मिला। गांधी जी की बातों का उन पर गहरा प्रभाव पड़ा। गांधी जी का सादा जीवन और देश प्रेम देखकर वे मुग्ध हो गए। उनके मन में भी देश सेवा की लगन पैदा हो गई। जब वो हाई स्कूल में पढ़ रहे थे बच्चों, तो महात्मा गांधी जी का भाषण सुना उन्होंने, तो उनका भाषण सुन के उनके दिमाग पर बहुत अधिक गहरा प्रभाव पड़ा। वो उनके जैसे ही, जैसे उन्होंने देश प्रेम के बारे में भाषण दिया, तो उनके भी देश प्रेम उनका प्रेम देखकर वो भी मुग्ध हो गए। वो भी कहते हैं कि मैं भी देश सेवा के लिए लगन में लगाऊंगा, देश की सेवा करूंगा। आगे देखते हैं। जब गांधी जी ने अंग्रेजों के विरुद्ध असहयोग आंदोलन शुरू किया, तो स्कूल और कॉलेजों के छात्र पढ़ाई लिखाई छोड़कर उनके पीछे चल पड़े। जब गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ असहयोग आंदोलन शुरू किया, असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू हुआ था, तब स्कूल और कॉलेज के जितने भी छात्र थे वो अपनी पढ़ाई छोड़कर उनके पीछे चल दिए थे। ठीक है, आगे देखते हैं। बहुत से लोगों ने सरकारी नौकरियां छोड़ दी। लाल बहादुर शास्त्री जी ने भी पढ़ाई छोड़कर आंदोलन में कूद पड़े। तो जब असहयोग आंदोलन शुरू किया था महात्मा गांधी जी ने, बहुत सारे लोगों ने अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़ दी और बहुत सारे लोगों ने अपनी सरकारी नौकरियां छोड़कर उस आंदोलन में कूद पड़े थे। और लाल बहादुर शास्त्री जी थे, उन्होंने भी अपनी पढ़ाई छोड़कर असहयोग आंदोलन में महात्मा गांधी जी का साथ दिया। आगे देखते हैं। जब आंदोलन समाप्त हुआ, तो लाल बहादुर शास्त्री ने काशी विद्यापीठ में प्रवेश ले लिया। वहां से उन्होंने शास्त्री की परीक्षा उत्तीर्ण की। इसके बाद वे लाल बहादुर शास्त्री कहलाने लगे। जब आंदोलन समाप्त हो गया, तो उन्होंने काशी विद्यापीठ से शास्त्री की विद्या ग्रहण करी थी, जिससे उनका नाम शास्त्री कहलाने लगे। लाल बहादुर शास्त्री जी उनको बोलने लगे। शास्त्री जी का विवाह ललिता देवी के साथ हुआ। अपने विवाह में उन्होंने केवल 2 चीज़ें स्वीकार की थी, एक चरखा, दूसरा एक थान खादी का कपड़ा। जब उनकी शादी हुई थी, जब उनका विवाह हुआ था ललिता देवी जी से, तब उन्होंने शादी में सिर्फ 2 चीज़ें ली थी, एक तो चरखा और दूसरा एक थान खादी का कपड़ा। आगे चलकर उनका पूरा समय देश सेवा में बीतने लगा। आज़ादी के आंदोलन में वे कई बार जेल गए। जब देश आज़ाद हुआ, तो अपनी सरकार बनी। लाल बहादुर शास्त्री ने देश में अनेक महत्वपूर्ण पदों पर
कार्य किया। जब वे केंद्र में रेल मंत्री थे तो एक रेल दुर्घटना हो गई जिसमें अनेक लोगों की जान चली गई। इस बात पर शास्त्री जी को बड़ा धक्का लगा। उन्होंने अपने आप को जिम्मेदार मानते हुए अपने पद से त्याग पत्र दे दिया। तो जब वो देश आज़ाद हो गया बच्चों, बहुत सारे आंदोलन हुए, आंदोलनों में वो कई बार जेल गए। तो जब देश आज़ाद होने के बाद उनकी अपनी सरकार बनी, फिर उन्होंने कई अनेक नेताओं के पद पर उन्होंने नियुक्त रहे। जब वे रेल मंत्री थे तो एक रेल दुर्घटना होने के कारण बहुत सारे यात्रियों की जानें चली गई थी। तो इन्होंने इसको, इस दुर्घटना से उनको बहुत धक्का लगा, इससे उन्होंने अपने रेल मंत्री के पद को त्याग दिया था। आगे हैं, जवाहरलाल नेहरू के बाद वे भारत के प्रधानमंत्री बने। उस समय हमारा देश अनाज के संकट से जूझ रहा था। शास्त्री जी ने बड़ी सूझबूझ से इस संकट का सामना किया और देश के स्वाभिमान की रक्षा की। उसी समय पाकिस्तान ने हमारे देश पर आक्रमण कर दिया। भारत ने इस आक्रमण का करारा जवाब दिया। बाद में रूस की कोशिशों से भारत और पाकिस्तान के बीच ताशकंद में समझौता हुआ। वहीं उसी रात को हृदय गति रुक जाने के कारण उनका निधन हो गया। तो बच्चों, जब देश के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू बने थे, उनके बाद दूसरे प्रधानमंत्री बने थे लाल बहादुर शास्त्री। उन्होंने बहुत अच्छे से अपनी सेवा सूझबूझ से देश की रक्षा करी थी। उस टाइम वो अनाज की कमी चल रही थी देश में, तो बड़ी सूझबूझ के साथ उन्होंने इस संकट का सामना किया था। आगे, आज शास्त्री जी हमारे बीच नहीं हैं, पर उनकी कीर्ति अमर है। उन्होंने नारा दिया था, जय जवान जय किसान। यह नारा अभी आज भी अमर है। बच्चों, जब भारत और पाकिस्तान में ताशकंद समझौता हुआ था, तो उसी रात उनकी हृदय की गति रुक गई थी, तो जिसके उनका निधन हो गया था। तो आज जैसे लाल बहादुर शास्त्री जी हमारे देश में, हमारे बीच में नहीं हैं, तो भी उनकी कीर्ति सारी तरफ अमर है। उन्होंने जो नारा दिया था, वो नारा आज भी अमर है, जय जवान जय किसान। तो उन्होंने जो नारा दिया था, जय जवान जय किसान। तो ठीक है बच्चों, आपने इस ऐसे को बहुत अच्छे से याद भी करना है और इसको पढ़ना भी है, ठीक है। अपनी हिंदी की कॉपी में इसको लिखना है, फिर इसको याद करना है, ठीक है। आपने अपने घर पर ही रहना है। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।